press the bell icon on the YouTube app and never... सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम अपने एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू कासमी जी को, उनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद ताड़ साहब जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है। और ये दोनों ना सिर्फ बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, बल्कि चर्चा करेंगे कि क्यों पाकिस्तान के कर्जा लेने से भारत परेशान है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद जय भारत। कि आज मैंने भारत के मीडिया में यह भी पढ़ा है, वहां भी तश्वीश है इस बात की कि पाकिस्तान जो है वो IMF से कर्जा ले रहा है, तो वो भी अपने तहफुजात का इजहार कर रहे हैं वहां से कि पाकिस्तान ये पैसा लेकर डिफेंस पे ना, अपनी आर्मामेंट्स पे ना लगाए। और दूसरी उनकी कंडीशन है, भारत की तरफ से ये डिमांड की जा रही है, ये पैसा लेकर दूसरे मुल्कों को ना दिया जाए आगे। लेकिन देखें कहां तक सुनी जाती है, 17% जो है शेयर वो अमेरिकन का है IMF के अंदर, तो जाहिर है उसका असर रसूख अमेरिका ही चलता है। भारत की अपने तहफ़ुज़ात का इजहार किया है उन्होंने, लेकिन वो पता नहीं कितना। सर पाकिस्तान जो कर्जा ले रहा है उसपे सिवाय पाकिस्तान के पूरी दुनिया परेशान है, चाहे वो भारत हो चाहे अमेरिका हो, लेकिन पाकिस्तान को जो लोग चला रहे हैं वो बिल्कुल भी फिक्र नहीं कर रहे, उनको कोई परेशानी नहीं, वो तो तैयारी कर रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब एक बार फिर प्रेसिडेंट बन के आएंगे, लेकिन करेंगे क्या, क्या पावर होगी उनके पास? पावर पहले कौन सी इनके पास होती, अब ये कौन सी नई बात है। लेकिन उसमें आरजू जो मैं सबसे बड़ी जो मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि अमेरिका में बैठे हुए मैं कंसर्न ये हूं कि ये पैसा पाकिस्तान जाएगा भी कि नहीं जाएगा, ये किस तरह जाएगा। पहले आपका पैसा कुछ तो यही इधर उधर हो जाता है, कुछ आप पाकिस्तान जाके जो प्रोजेक्ट आप करते हैं डेवलपमेंट के आगे पीछे, वहां से करप्शन में फिर वापस आ जाता है पैसा। और बल्कि ये IMF को भी पता है चीजें, क्योंकि करप्शन में तो आप यू आर लीडिंग इन द वर्ल्ड। तो पाकिस्तान में आज तक मैं, बल्कि मेरे लिए जो एक और कंसर्न ये है कि किसी ने आज तक ये पूछा नहीं सुप्रीम कोर्ट में को रिट लगा के ये पैसा कहां जा रहा है, $70 बिलियन गया कहां है, जो पाकिस्तान आपने जो आपके कर्जे आग के ऊपर चढ़े हुए हैं ये किधर गए सारे। कोई अब मैं, मेरी गुजारिश होगी बल्कि आपके चीफ जस्टिस साहब से, जिन्होंने 40-45 साल के बाद आज भुट्टो के केस का फैसला कर दिया है, वो भी टूटा फूटा सा कि ये जुडिशियल मर्डर था, तो वो किसी दिन हिम्मत करके ये भी बता दें कौम को कि ये पैसा जो आता है IMF ये किधर जाता है, $70 बिलियन कहां गया है, क्या वजह है ये। मेरे भाई आप बताएं कि दुबई में पड़ा है पैसा, ये फला खा गए हैं, लूट गए हैं, टोरंटो जा रहा है, लंदन जा रहा है, न्यूयॉर्क जा रहा है, पैसा जा किधर रहा है, कोई ये बताने की कोशिश। सर आज के जमाने में तो ये हर बच्चे बच्चे को पता है कि वो पैसा कौन खा रहा है और कौन ले जा रहा है, अब कोई नाम आने तो और बात है। लेकिन ये इसका आप कहां लेकर जाए, इसकी इसकी कोई एंड भी तो होगा ना कहीं से, ये रुकेगा किस तरह होगा, क्या करेंगे आप। अब महंगाई का तूफान आएगा जब देखें, आपको पता है IMF आपका बजट बनाएगा ये कर्जा वापस लेने के लिए, और आपसे लेगा आरजू, आप यू आर वन ऑफ देम एट द सेम टाइम। बिल्कुल, बिजली की प्राइस बढ़ेगी, गैस बढ़ेगी, पेट्रोल बढ़ेगी, तो आपकी हर चीज भी तो महंगी होगी ना, तो वो आप देंगे तो। लेकिन ये 250 मिलियन में से बाहर निकल के क्यों नहीं बताते, ये पूछते क्यों नहीं इनसे, रेट तो लगा के पूछ लेते हैं ना, कहीं इलेक्शन के लिए तड़प रहे हैं सारे के सारे, तड़प रहे हैं ना कि इलेक्शन जाली हुआ है, इसके बारे में क्यों नहीं निकल रहे। चट्ठा साहब डिप्टी जो कमिश्नर साहब थे वो बाहर निकल आए, कहते फ्रॉड हुआ है, तो कोई इनका क्यों नहीं निकल गया था, आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री में से क्यों नहीं निकल आता कोई, ये देखे जी मेरे सामने ये फ्रॉड हुआ है, ये सारा पैसा फलां खा रहा है, वो क्यों नहीं हिम्मत करता, वो क्यों नहीं, वो देखे ना किस खूबसूरती से कमिश्नर साहब ने कहा था मैं खुदकुशी करने लगा था आज सुबह खुदकुशी करने लगा था, मेरा जमीर जाग गया रात को, उठ गया था जमीर, सो रहा था उठ गया, यहां से कोई नहीं उठा किसी का जमीर कि यार ये 1947 से लूट पड़ी है, ये $70 बिलियन खा गया, फलां खा गया, मैं सुसाइड करने लगा था इससे पहले, मैंने कहा कौम को बता दूंगी क्या। अभी तो देखिए इतनी बड़ी कैबिनेट ये बनाएंगे और उसके बाद जो नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी बुलेट प्रूफ और ये वो जो खर्चे होंगे शहाना खर्चे, वो तो सऊदी क्राउन प्रिंस भी परेशान हो जाएगा। देखें जब पिछली दफा छोटे मियां की जो कैबिनेट थी 85 नंबर थे, अब 185 हो गए, लेकिन अब तो तरक्की होगी ना, अब तो 5 साल का मैंडेट है, अब 185 होंगे कैबिनेट। और कल असेंबली में मैं आपको बताना चाहूंगा, कल वहां पे किसी ने बैठ के सुना है सिगरेट पिया है वहां बैठ के असेंबली के अंदर,
क्या उसने क्या मैसेज भेजा है कि क्या क्या है असेंबली आपकी। और मैं हैरान हूं कि अब आपके एक चीफ मिनिस्टर हैं किसी सूबे के, वो सेनेटर बन के आपके आपके मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर बनने वाले, किस्मत देखें कि सियासत में कोई हल्का नहीं उनके पास। कुछ लोगों की किस्मत में बड़ा रश्क आता है। एक काकड़ साहब है, किसी घड़े में से नाम उनका निकला था। अब चीफ मिनिस्टर साहब देखें, वो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, पहले उनका कोई हल्का नहीं है, आज तक उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। चीफ मिनिस्टर का टेन्योर पूरा होगा, सेनेटर बनाने की पहले ही तैयारियां हो रही हैं, और उसके बाद उनके लिए ओहदा भी तैयार है टू बिकम एन इंटीरियर मिनिस्टर। सर, मोहसिन नकवी साहब की बात कर रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब। हाँ जी, वही आ रहे हैं, सुना आपके इंटीरियर मिनिस्टर बनने वाले हैं, सेनेट का इलेक्शन उनके लिए, क्रिकेट का भी चेयरमैन बना दिया गया है। कितने खुशकिस्मत लोग हैं, कितने खुशकिस्मत। देखें, मुझे भी किसी ने पूछा था बड़े होके क्या बनना चाहते हो, तो मैंने कहा था यार दिल तो करता है कि मैं पाकिस्तान आर्मी का जनरल बन जाऊं, लेकिन बड़ा होके अब देखें कितना बड़ा होके बनता हूं, ख्वाहिश तो मेरी भी इसी तरह की, तो लाल बत्ती वाली गाड़ी हो तो जाऊं तो सलूट पड़े, तो दिल तो ख्वाहिश तो मेरी भी यही है कि बड़ा होके मैं आर्मी जनरल बन जाऊं पाकिस्तान आर्मी। लेकिन आरजू, जो एक बात आज आपके प्रोग्राम के तवसल से कहना चाह रहा था, जो इस संडे को रमजान शुरू हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया मुसलमान वर्ल्ड के अंदर 1.9 बिलियन मुसलमान, उस हवाले से कुछ अपनी मर्जी मैं कुछ बातें करना चाहूंगा, जो मेरे हमेशा मेरी नजर में रमजान क्या है, जो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो मैंने बल्कि आज सुबह मेरी नजर से गुजरी है कि किस तरीके से रमजान की वजह से मुसलमान वर्ल्ड जो दुनिया है उसके अंदर इन्फ्लेशन आने वाला है। मेरे कुछ, मैं पाकिस्तान से, जब मैं पाकिस्तान में रहता था, मेरे कई दोस्त जो कारोबारी थे उनके पास से एक लफ्ज मैं मुसलसल सुनता था कि यार हमने इस महीने में 11 महीने के पैसे बनाने, ओपन आ जाता था, कुछ शर्मिंदगी नहीं। तो वो एक महीना आ चुका है जिसमें 11 महीने के पैसे बनाए जाए, क्या ये रमजान है? फिर मैं यहाँ अमेरिका के अंदर आया, मेरे पास कई इजिप्ट के लोग मेरे पास जॉब करते थे, तो वो कहते थे कि हमें एक महीने की छुट्टी दी जाए। मैं उनसे पूछता था क्यों, वो कहते थे कि हमारे मिडिल ईस्ट के अंदर दिन के टाइम हम रोजा रख के घरों में इंडियन फिल्में देखते हैं, रात को जागते हैं, रात को रोजा रखते हैं, रोजे की तैयारी करते हैं। अब मैं ये बताना चाहता हूँ रमजान का स्पिरिट क्या है। रमजान का स्पिरिट ये है कि इसके बारे में इस्लाम के अंदर है कि जिस तरह 11 महीने आप जिंदगी गुजारते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से आपने ये 12वां महीना भी गुजारना है। रमजान सिर्फ डाइटिंग प्रोग्राम नहीं है। मैंने देखा है, मैं नौज़बिल्ला, मैंने खुद यहाँ अपनी आंखों से देखा है कि कुछ पाकिस्तानी बच्चे, कुछ मुसलमान बच्चे रमजान का रोजा खोलने के बाद बियर भी पी लेते हैं। फिर मैंने यहाँ पे अमेरिका के और दूसरे कंट्रीज के अंदर देखा है कि 30 दिन रोजे रखने के बाद ईद वाले दिन शराब भी पीते हैं और जुआ भी खेलते हैं, इस तरह सेलिब्रेट ईद की जाती है। ये रमजान नहीं। रमजान का मतलब यह है कि आपने ना सिर्फ अपने रूह का रोजा रखना है, नियत का रोजा रखना है, आंख का रोजा रखना है, और आपके गुफ्तार से, आपकी गुफ्तगू से किसी का दिल भी ना टूटे। रमजान रोजा ये चीज होती है। तो दर हकीकत इसको मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि इस महीने में लूटने की तैयारी ना की जाए, खुदा रा लूटने की तैयारी ना करो। अब इस महीने में मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हर बंदे से मिलो तो इज्जत से मिलो, अपने पड़ोस में देखो कि कोविड के बाद जो हालात हैं, कई लोग अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं, कई लोगों के बिजनेस खत्म हो चुके हैं, उनकी मदद करो, उनकी मदद करो। ये रमजान है, और बिलखसूस ये मैं ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा था, ये जो ट्रेंड है, बल्कि मैं देखता हूँ बड़े जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो रमजान में सेलें लगा देते हैं यूरोप के अंदर, यूके के अंदर, और जहां मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर ये ट्रेंड है कि इस एक महीने के अंदर इतना लूटना है और फिर 27वें रोजे वाले दिन सऊदी अरेबिया चला जाना है लूट के। मुझे ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल पता नहीं चला कि लूट के ज़कात देनी, फ्रॉड करना और उसमें से ज़कात देनी, फ्रॉड करना और फ्रॉड करके लूट के ज़खीराअंदोज़ी करके फिर 27वें रोजे के ऊपर जाके मदीने चले जाना, फिर इतकाफ पे बैठ जाना, ये मेरी ये समय से बाहर है चीजें कि आप रिचुअल में फंसे हैं, आप इस्लाम की फिलॉसफी को नहीं समझ पाए। और मैं बिलखसूस इस बात पे ये कहना चाहूंगा कि दूसरे मजाहिब के साथ आप नफरतें कम करें। आप हर मजहब, मैंने बहुत किताबें पढ़ी हैं, हर मजहब की बेसिक फिलॉसफी वही है जो इस्लाम की फिलॉसफी, हर मजहब यही कहता है एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे की इज्जत करो, किसी को तकलीफ ना दो।
हर मजहब यही कहता है, मेरे सारे मजहब पढ़े हैं, बल्कि मैं सवेरे एक बुक पढ़ी थी उसमें वो कहते थे सेंटर इज द सेम, उस सेंटर में हर बंदा डिफरेंट डायरेक्शन से उस सेंटर पे जाने की कोशिश कर रहा है, उस सेंटर पे जो आप चाहते हैं कि आप जन्नत में चले जाए, हर मजहब इसी चीज की प्रचार कर रहा है कि अगर आप नेक होगे तो उसका रिवार्ड क्या होगा, आप किसी को जुल्म करोगे मारोगे नफरत करोगे उसका रिजल्ट क्या होगा, बुराई का अंजाम बुराई से होगा उसका रिजल्ट। आप ऊपर से किसी मशीन के अंदर आप ईंटें डालें तो नीचे से फूल तो नहीं निकलेंगे ना, तो ये हर मजहब का ये फिलॉसफी यही है। आप ये ना समझे कि आप ही का मजहब एक ऐसा है कि आप ही सारा सवाब लेते हैं, सवाब बल्कि आपके जहन में तो सवाब का भी कॉन्सेप्ट जो है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काजमी जी और साजिद तारा साहब का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वेल, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान एक ऐसा भिखारी देश है जो कर्जे की किस्त चुकाने के लिए और ज्यादा कर्जा लेता है, और आपने देखा साजिद तारा साहब ने ना सिर्फ बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में बल्कि पाकिस्तान के हालात भी आपको अच्छे से समझाए। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।